गर्मी में गरीब के घर एसी। दिव्यांग रोशन सड़क किनारे मोची की दुकान लगाया करता था। उसकी एक बेटी थी कोमल। कोमल बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। तू खाना रख जा बेटिया, मैं बाद में खा लूंगा। पर मैं तो आपको खाना खिलाकर ही घर जाऊंगी बापू, खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? अच्छा मेरी दादी, ला खा लेता हूँ। कोमल बापू को खाना खिलाकर घर जा रही थी। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं दीदी, मेरा नाम तन्नु है, मेरा घर पास में ही है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगी? हाँ जरूर छोड़ दूंगी तन्नु रानी, चलो आओ मेरे साथ। ये कहकर कोमल तनु का बैग उठा लेती है और तनु को उसके घर ले जाती है। घर पर तनु का चाचा अतुल मिलता है। अतुल खूबसूरत कोमल को देखकर चौंक सा जाता है और फिर मुश्किल से ही उस पर से नजर हटा पाता है। ये देख कोमल भी कुछ शर्मा जाती है। तभी अतुल खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है, आपने मेरी भतीजे की मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मेरा नाम कोमल है। और मेरा अतुल, आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। कोमल एक सोफे पर बैठ जाती है और वहाँ बैठते ही उसे एसी की ठंड का अनुभव होने लगता है। एसी की ठंडी ठंडी हवा और आलीशान घर देखकर कोमल मन ही मन कहती है, यहाँ तो गर्मी में सर्दी जैसी ठंड लग रही है, लगता है घर में एसी लगाए, घर है भी तो महल जैसा आलीशान। उस दिन अतुल कोमल को देखता है तो वो उसके मन में ही बस जाती है और वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। कोमल जैसी खूबसूरत लड़की मुश्किल से ही मिलती है, अगर मैं उससे शादी करूँ तो वो हमेशा के लिए मेरी हो सकती है। उधर कोमल एसी की ठंडी हवा को नहीं भूल पाती। एक दिन वो रोशन से कहती है, बापू क्या आप हमारे लिए घर में एसी नहीं लगवा सकते, हमारे घर में बहुत गर्मी रहती है। घर में एसी लगाने की तो मेरी औकात नहीं है बेटिया, हाँ अगर तुझे ज्यादा ही एसी में रहने का शौक है तो तेरे लिए एसी वाला दूल्हा ढूंढ देता हूँ। ये सुनकर कोमल चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद अतुल गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो रास्ते में उसकी नजर कोमल पर पड़ती है। अच्छा तो ये इस गरीब मोची की बेटी है। ये जानते हुए भी कि कोमल एक दिव्यांग गरीब मोची की बेटी है, अतुल उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाता और एक दिन दिल से मजबूर होकर रोशन मोची के पास जाकर कहता है, बाबूजी मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने मुझ गरीब मोची को बाबूजी बोला? हाँ बाबूजी, दरअसल मैं आपकी बेटी कोमल को बहुत पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। तभी रोशन की नजर अतुल के चेहरे पर पड़ती है, गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो रहा था। अतुल की ये हालत देखकर रोशन कहता है, शायद आपसे गर्मी सहन नहीं हो रही है, एसी में रहने की आदत होगी, पर मुझ गरीब के घर में तो पंखा कूलर तक नहीं है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे बस आपकी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर रोशन बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसकी बेटी बहुत ही खुश नसीब है जो उसे इतना अमीर घर मिल रहा है, ये सारी उम्र एसी की ठंडी हवा में कट जाएगी। यही सोचकर वो इस शादी से इनकार नहीं कर पाता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है साहब, तो अब आप मुझे साहब कहना छोड़िए बाबूजी और आज से बेटा कहकर बुलाइए। फिर बहुत ही सादे तरीके से अतुल और कोमल की शादी हो जाती है और कोमल अपने ससुराल आ जाती है। तनु कोमल को देखते ही पहचान लेती है, दीदी आप मेरी आंटी बन गई? माँ मैं तो आंटी को पहले से ही जानती हूँ। तभी कोमल की जेठानी आशा कहती है, अच्छा तो झोपड़ी में रहने वाली अपनी सांटी को तुम पहले से ही जानती हो? अपनी जेठानी की बात सुनकर कोमल को लगा कि जैसे उसकी जेठानी ने उस पर ताना मारा हो, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर आशा उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले गई। ये रहा तुम्हारा कमरा, कैसा लगा? तभी कोमल ने कहा, दीदी कमरा तो अच्छा है पर मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अम्मा मैं लाऊं चाची के लिए पानी? आशा तनु को चुप कराते हुए कहती है, पहले चाची से ये तो पूछ ले कि इसे फ्रिज का ठंडा पानी पीना है या फिर घड़े का पानी, क्योंकि गरीब लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी नसीब ही कहाँ होता है। दीदी मेरे लिए तो सादा पानी ही मंगा दीजिए। तनु कोमल के लिए पानी लाती है और कोमल जैसे ही पानी पीती है आशा उसके गहनों की तरफ देखते हुए कहती है, अब इस बोझ को उतार कर आराम कर लो, इतना बोझ उठाने की तुम्हारी आदत भी तो नहीं होगी ना। ये कहकर आशा तनु को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद अतुल कमरे में आता है। कहो कोमल कैसा लगा ससुराल? बहुत अच्छा लगा अतुल, पर भाभी। भाभी ऐसी हैं, उसकी बातों को दिल पर मत लेना, बहुत अमीर घर की है इसलिए बड़े बोल बोलने से नहीं चुकती। तभी कोमल का ध्यान एसी की ठंडी हवा की तरफ जाता है तो वो अतुल से कहती है, अतुल मुझे पहली बार एसी की ठंडी हवा आपके घर में खाने को मिली थी। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कोमल, अब ये घर तुम्हारा भी तो है, अब तुम हमेशा ऐसी ही हवा खाना।
एक दिन सुबह कोमल नहा धोकर रसोई में आशा का हाथ बंटवाने के लिए आती है, मगर आशा उसे देखते ही भड़क उठती है। ये क्या साड़ी पहनी है तुमने? ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी ना पहने। दीदी, मेरे पास तो ऐसी ही साड़ियां हैं। ऐसी घटिया साड़ी पहनकर हम अमीरों की नाक कटवाने का इरादा है क्या? चलो, मैं देती हूँ तुम्हें साड़ियाँ। दोपहर को तनु स्कूल से घर वापस आती है। उस समय आशा अपने मोबाइल में बिजी होती है और कोमल एसी की ठंडी हवा में आराम फरमा रही होती है। तभी तनु आशा से कहती है, मम्मा जल्दी से मेरा होमवर्क पूरा करा दो, आज बहुत सारा होमवर्क मिला है। आज से तेरा होमवर्क कराने का काम तेरी चाची करेगी, समझी? चल बुलाओ उसे। कोमल, ओ कोमल, जरा इधर तो आ। आशा के इस तरह आवाज देने पर कोमल थोड़ी घबरा जाती है और तुरंत भागी भागी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ दीदी? हुआ मेरा सर, दीदी की बच्ची सारा दिन बेड पर पड़ी एसी का बिल बढ़ाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। क्या काम करूं दीदी? सुना है तू कॉलेज में पढ़ी है? सुन, आज से तनु का होमवर्क तू ही करवाएगी। सारा दिन फ्री में एसी पेलने का कुछ फायदा तो मिले। एक दिन कोमल घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एसी पर कुछ धूल जमी दिखाई देती है। वो झाड़ू से एसी साफ करने लगती है तो अचानक चरचर की आवाज कर एसी के तारों में चिंगारियां छूटने लगती हैं और एसी जल जाता है। ये देख आशा कोमल पर आग बबूला होती है। जला डाला एसी? इसकी कीमत का भी पता है? झोपड़ी में रहने वाली, अब तुझे झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। अब ये क्या कर रही है दीदी? चल निकल मेरे घर से। पर ये घर तो उनका भी है। ये सुनकर आशा और ज्यादा भड़क उठती है। अपने पतिदेव से पूछ कि उनकी माँ उनके लिए क्या छोड़कर मरी थी। सौतेले को खिला पिला कर सांड जैसा पाल दिया, ये क्या कम है? ये सुनकर कोमल चौंक जाती है। तो क्या अतुल आपके सौतेले देवर है दीदी? उसी से पूछ लो और इस घर से निकलो। ये सुनकर कोमल कुछ नहीं बोल पाती। अतुल का बड़ा भाई गजेंद्र भी बुद्ध बनकर तमाशा देखता रहता है। जब अतुल और कोमल घर छोड़कर चलने लगते हैं तो तनु रोते हुए कहती है, बचाओ चाची, चाचा चाची को वापस ले आओ ना। चुप कर तनु, तेरे गरीब चाचा चाची हम अमीरों के साथ नहीं रह सकते। घर छोड़कर वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और फिर कोमल अतुल को समझाते हुए कहती है, जब तक हमें कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक हम अम्मा और बापू के साथ रह लें क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी कोमल। ये फैसला कर अतुल कोमल के घर आ जाता है और रोशन उन दोनों की बातें सुनकर कहता है, बेटा हमारे घर एसी तो है नहीं पर दो रोटी की कोई कमी नहीं है, तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। एक दिन कोमल अतुल से कहती है, अतुल बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो कोमल। मैं मोची का काम अच्छे से जानती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो हम जूते बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर रोशन कहता है, काम छोटा जरूर है बेटा पर मुझे कोमल पर पूरा भरोसा है, अगर तुम उसका साथ दोगे तो बहुत अच्छा काम चलेगा। कोई काम छोटा नहीं होता बाबूजी, मैं कोमल के साथ मिलकर काम करूंगा। उस दिन के बाद कोमल जूते बनाती और अतुल उनको जूतों की दुकान पर बेच कर आता। कोमल के बनाए जूते सबको पसंद आते और हाथों हाथ बिक जाते। सुनो भाई अतुल, आज के बाद तुम जितने भी जूते तैयार करो मुझे बेचो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। धीरे धीरे काम बढ़ जाता है और खूब पैसा आने लगता है। अब रोशन भी कोमल के साथ ही काम करने लगता है। फिर एक दिन अतुल घर में एसी लेकर आता है। अरे एसी, आप एसी ले आए? हाँ कोमल, अब हम सब एसी की ठंडी हवा में बैठकर जूते बनाया करेंगे। समय बीतता जाता है और मार्केट में उनके बनाए जूतों की मांग बढ़ जाती है। अतुल जूतों का अपना शोरूम खोल लेता है और वो जूते बनाने की छोटी फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं। इस तरह अतुल अपने बड़े भाई गजेंद्र से भी बहुत अमीर हो जाता है।